प्रणाम का उत्तर तो प्रणाम से ही देना चाहिए। किंतु ये किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? अच्छा, पिताश्री को। क्रोधी भी है और भक्ति भाव से ओतप्रोत भी। किंतु इनकी मनसा क्या है? मूषक की भांति क्या तुम्हें भी मेरा परिचय चाहिए बालक? ये परशुधारक कौन हो सकते हैं? ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी देवी रेणुका के पांचवें और असाधारण पुत्र है परशुराम। नहीं प्रभु, आपकी महानता की कथा तो स्वयं मैंने अपने माँ के मुख से सुनी है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। शत नमन श्री परशुरामा, अभिनंदन श्री परशुरामा। पाप के काल आवेग अधीशा, विष्णु के अवतार पुरुषा। शिव के भक्त श्री परशुधारी, गणपति नमन करे आभारी। मात पिता के सेवक परमा, धर्म परायण नाशी अधर्मा। शत शत नमन श्री परशुरामा, अभिनंदन श्री परशुरामा। प्रतीत होता है बालक गणेश ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए परिस्थिति को संभाल लिया है। गणेश है अत्यंत बुद्धिमान, उन्हें आता है अपनी बुद्धि से करना किसी भी समस्या का समाधान। सत्य है बुद्धि का बल, सदैव संकट टालने में सदैव सफल होता है। धन्य हैं आप गणेश जी। बुद्धि और सूझबूझ से किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार के युद्ध की संभावना टल चुकी है। प्रभु, प्रतीत होता है आप बहुत दूर से यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। आपकी थकान मिटाने के लिए मैं जल लेकर आता हूँ। रुकिए बालक, ये थकान, ये भूख प्यास जलपान से नहीं मिटने वाली। तो अनुमति दीजिए, भोजन प्रस्तुत करता हूँ। रुकिए बालक, नागेन्द्र हाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। उमा, जिस प्रकार सच्चे भक्त अपने भगवान की पूजा में खो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्त का मान रखने के लिए उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसलिए इस पूजा में हमारा समस्त ध्यान हमारे इन्हीं भक्तों पर केंद्रित रहना चाहिए। आप उचित कहते हैं प्रभु, मैं इनकी अनुपम भक्ति के आनंद सागर में डूबती जा रही हूँ। अंतरात्मा की भूख, अंतरात्मा की थकान जल और भोजन से नहीं मिटती बालक। अंतरात्मा की थकान और भूख प्रभु? हाँ बालक, इसे मिटाने का एकमात्र उपाय है महादेव के दर्शन। रुक जाइए प्रभु। ये दृश्य तो कदाचित पूर्व में हुई घटना की पुनरावृत्ति है। बस बस बस, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव,
कदाचित आप ऐसे नहीं जाने वाले मुझे रोकने का तो साहस किया है तुमने भालक। दुस्साहस नहीं प्रभु, आपसे रुकने का निवेदन मात्र किया है मैंने। अभी मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। भीतर जाने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों मुझे अपने प्रभु के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करनी होगी? क्यों? क्योंकि प्रभु, महादेव और माता पार्वती एक विशेष पूजा में व्यस्त हैं। प्रभु, हम कैलाश में उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। आपको इस पूजा की अनुमति है। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न ना आए, इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। इस समय वहाँ किसी का प्रवेश उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। हाँ, वे विशेष पूजा कर रहे। हाँ प्रभु। किंतु मैं महादेव का परम भक्त हूँ, परम भक्त, और प्रभु अपने भक्त को अपने दर्शन से वंचित नहीं रख सकते। इसलिए मुझे जाने दो बालक, मैं प्रभु की भक्ति का, उनकी पूजा का मान रखूंगा। मैं उनकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा, कोई विघ्न नहीं डालूंगा, ये मेरा वचन। बस दूर से ही महादेव के दर्शन कर अपनी आत्मा को तृप्त कर लूंगा। क्षमा करें, किंतु इसकी अनुमति नहीं दे सकता मैं आपको। अनुमति की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं महादेव का परम भक्त हूँ, परम भक्त। महादेव स्वयं अपने इस भक्त की गुहार सुनकर मुझे अपने समीप बुला लेंगे। महादेव, 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 मेरे प्रभु महादेव। यदि ये इस प्रकार चित्कार करेंगे तो पिताश्री की पूजा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। महादेव, महादेव। चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सु पूजिताय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। प्रतीत होता है प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली, अब स्वयं मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। मेरा अनुरोध सुनिए, ऐसा कुछ मत कीजिए प्रभु जिससे उनका ध्यान पूजा से हट जाए और उसमें कोई विघ्न आ जाए। मैं आपको दर्शन से रोकने का दुस्साहस नहीं कर रहा हूँ, मात्र विनती कर रहा हूँ कि आप तनिक प्रतीक्षा कर लीजिए। तुम जो भी हो, मेरे और मेरे प्रभु के मध्य आने का प्रयास मत करो। अवश्य तुमने मेरी कथा सुनी होगी, किंतु तुम मुझसे पूर्ण रूप से अवगत नहीं हो, पूरी तरह परिचित नहीं हो। तो मुझसे अनेकों बार इस संसार से दुराचारी राजाओं को विहीन करने के पश्चात जिस क्रोध को मैंने बड़े यत्न से शांत किया है, उस क्रोध को पुनः जागृत करने का प्रयास मत करो बालक।
आपका क्रोध पुनः जागृत हो। ऐसा तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं है मेरी। रुक जाइए। मुझे ज्ञात है आप पिताश्री के दर्शन के अभिलाषी हैं। मैं कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रतीक्षा तो आपको करनी ही होगी। परशुराम को प्रतीक्षा? अपने प्रभु के दर्शन करने को प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। राम जी ने अपना पर्स उठा लिया। कदाचित वो अपने पर्सों से श्री गणेश जी पर वार ना करते। उसकी घटना को स्मरण कर सिहर रहा हूं मैं। कैसे रोकूं इस अनर्थ को? मेरा यह वार तो मात्र एक चेतावनी था। यदि पुनः मेरा पर्स उठा तो उसका लक्ष्य होगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। इनके क्रोध को शांत कर किसी प्रकार इन्हें मनाना होगा। प्रभु, मुझे ज्ञात है आप अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्यग्र हो रहे हैं, किंतु क्रोध तो भक्ति भाव में भी अभाव उत्पन्न कर देता है। आपके क्रोध से उत्पन्न बवंडर से तो स्वयं आपके प्रभु की पूजा में ही विघ्न आ सकता था। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और पूजा संपन्न होने की प्रतीक्षा कीजिए। भक्ति भाव लेकर अपने प्रभु के दर्शन के लिए यहाँ आया और अपने परशु की शक्ति से शांति उत्पन्न कर बैठा। माता पार्वती नंदन विनायक ने तो पूर्व में महादेव को भी अभिमान वश रोक दिया था, किंतु प्रथम देव श्री गणेश तो इसके विपरीत परशुराम जी के साथ विनम्रता और बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं। एक बार पुनः गणेश अपनी बुद्धि के बल से परशुराम को शांत करने में सफल हो गए। धन्य धन्य दी, असंभव असंभव बना दिया उन्होंने। इसके रोम रोम में प्रभु की भक्ति का वास है। तुम उस परम भक्त को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हो कि मेरा कारण प्रभु की भक्ति में विघ्न है, उनकी महिमा को ठेस पहुंचेगी मेरे कारण। बालक,
तुम स्वयं को मुझसे बड़ा महादेव भक्त सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए डटे हुए हो। भक्त की भक्ति प्रमाण नहीं ढूंढती प्रभु, वो तो भक्त के प्रत्येक कर्म प्रत्येक विचार में दिखाई देती है। मैं कुछ भी प्रमाणित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस विनती कर रहा हूँ आपसे कि आप प्रभु दर्शन के लिए कुछ समय और प्रतीक्षा कर लीजिए। प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा, यही राग लाप रहे हो तुम। जिस प्रकार नदी सागर से मिलने की प्रतीक्षा नहीं करती, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान से मिलने की प्रतीक्षा नहीं करता। मैं अपने प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हूं, अनेकों सागर पार करके अपने प्रभु से मिलने के लिए। मैंने वचन दिया है कि मैं अपने प्रभु की पूजा में, उनकी भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा, कोई बाधा नहीं आने दूंगा, कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। बस दूर से अपने प्रभु के दर्शन करके चला जाऊंगा, उसके पश्चात भी उनके परम भक्त को उनके दर्शन के लिए वंचित किया जा रहा है। क्यों बालक? ये कैसी दुविधा है? एक ओर तो गणेश अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रभु दर्शन की इच्छा में डूबे परशुराम का आवेश बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु, आपकी भक्ति समझता हूँ मैं, किंतु उसके लिए अपने कर्तव्य से विमुख तो नहीं हो सकता ना? भक्त की भक्ति को सफल बनाने से बड़ा कर्तव्य और क्या होगा बालक? यदि तुम मेरी भक्ति को समझते तो मुझे अंदर जाने से, आगे बढ़ने से रोकते नहीं, तो अब मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। अब मैं स्वयं तुम्हें अपने मार्ग से हटाऊंगा बालक। क्योंकि उसके अतिरिक्त तुमने मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। स्वामी, परशुराम जी अब ये क्या करने जा रहे हैं? स्वामी, यदि गणेश जी को कुछ भी हुआ तो देवी पार्वती क्रोध में आकर क्या कर बैठेंगी? उसकी कल्पना मात्र से ही मैं भयभीत हो रही हूँ। ये क्या, परशुराम जी गणेश जी को क्षति पहुंचाने जा रहे हैं क्या? ये कैसे संभव है? अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के पश्चात भी मैं इस बालक को नहीं हिला पा रहा हूं। भगवान की भक्ति भी मर्यादा का पालन करने पर ही सफल होती है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.